उधर उधर मतलब कोना पे जाके खड़े हो गए आप कीजिए हमारे साथ अभी भोजपुरी फिल्म की कलाकार चेक कर लें। अरे ठीक है ये। अगर नहीं हुआ तो फिर हमारे साथ हमारे साथ अभी भोजपुरी फिल्म की कलाकार कृषा करमधु हैं। ये पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और राकेश मिश्रा के साथ साथ अनेकों कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं। यहाँ पे आज आप आई हैं एक माँ का मदद करने के लिए, एक बच्चे को बचाने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आके आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं इतना महसूस कर सकती हूँ कि एक माँ की ममता क्या होती है। और मुझे भी पता है, जब मैं थोड़ा सा बीमार रहती हूँ तो मैं कोलकाता से हूँ और मुझे थोड़ा सा बीमार होती हूँ तो मेरा माँ वहाँ से घबरा उठती है। और एक माँ के गोद में जब एक बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा जो ना बोल सकता है ना अपने दुख बयां कर सकता है। नहीं बोलता है, देखिए कितना प्यार से होते थे उसको। बोलिए बोले बोलने के लिए ए अयाश। हाँ देखिए देखो हूँ, देखिए बोला कि नहीं बोला। देखिए अभी आपके सामने बोला ना, तो बोलता है वो, हम लोगों से बातें करता है, हम लोगों की बातों को समझता है। बच्चा बच्चा भगवान का रूप होता है, उसको तो सब पता होता है। लेकिन उसको जो दर्द हो रहा है वो एक माँ सबसे ज्यादा जान सकती है कि डे बाई डे उसका दिन कमते जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि इतना देर के तो मतलब इतना देर तक उसको सुई लग जाना चाहिए और एक ही इलाज है कि उसका सुई लगना ही है। और जो अच्छा एक बात आपने बताया था, दिल की बात आपने बताया था। और देखिए मैं सच तक न्यूज चलाता हूँ, मेरा सवाल कभी कड़वा रहता है, कभी किसी को बुरा भी लग जाता है, कभी अच्छा भी लगता है। कैमरे के पीछे आपने कहा था कि मैं एक कलाकार हूँ और एक छोटे लेवल पे हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं उसके लिए करूँगी। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि आज मेरे से जितना हुआ मैं उसको करूंगी। और आगे भी मैं यहाँ से जाने के मन में फिर से यहाँ आऊंगी। और मैं अपना पर्सनल नंबर दीदी को दे दिया हूँ और आप लोग सारे लोगों के पास है। और मैं पटना ही रहती हूँ और मैं आऊंगी। और मैं कोलकाता जाने के पहले या 15 अगस्त के पहले मैं जो भी काम करूंगी, एक दो शूटिंग जो करूंगी, उसका जो पेमेंट बनेगा मैं सबके सामने ही बोल रही हूँ, मैं वो आयंस के नाम कर दूंगी। और ये वो नहीं है कि मैं उपकार कर रही हूँ, ये मेरा मन की इच्छा है। और मैं समझ सकती हूँ ये दर्द कितना होती है। एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि आपने कैमरे के पीछे बोला था कि मैं एक छोटी कलाकार हूँ और मेरे से जितना हो सकता है मैं करूँगी, लेकिन आप छोटा कलाकार नहीं है। क्योंकि कलाकार जो है ना अपने दिल से बड़ा और छोटा बनता है। आपका दिल बहुत बड़ा है और हम लोग ईश्वर से कामना करेंगे कि आप उस बुलंदी को छुएं और साथ में अयांश को बचाने के मुहिम में आप शामिल हैं, तो अयांश को बचाने का भी लगातार प्रयास करें। मैं एकदम बिल्कुल कोशिश करूंगी। और मैं कोलकाता में आपका एक टीम है? हाँ मेरा एक छोटा सा टीम है जिसमें 2-3-4 लड़की हैं। मैं कोशिश करूंगी। मैं अभी तक मेरा मोबाइल थोड़ा सा खराब था तो मैं कहीं पे, अब मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ अयांश के पास और मुझे पता है इसके पहले बहुत सारे लोग आए हैं। और मैं सबसे एक ही विनती करूंगी कि अयांश का QR कोड और नंबर सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा मैं वो बता दूंगी। क्या नंबर है तो उसका डिटेल्स हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे सारा डिटेल्स। हां ये नंबर होगा गूगल पे और पेटीएम का 9431089721। ये नंबर पे गूगल पे है, पेटीएम है, पेफोन भी है। मेरे जितने भी सारे दर्शक है और भोजपुरी के जितने सारे श्रोताए हैं, जितने सारे दर्शक है, जितने फैंस हैं, मैं एक ही बात करना चाहूंगी हाथ जोड़ करके सबको ही, हाँ उसको मदद कीजिए। और ये
एक छोटी छोटा बच्चा है कि इसका जान का कीमत आप सारे लोगों को पता है। आयास, ओए। मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं आता है, बस इतना बोलूंगी एक बार उससे बात कीजिए। मैं आके इसको पहले गोद में ले लिया, मेरे से रहा नहीं गया, है ना? है ना? हाँ। देखिए बोला ना, तो बोलता है और धीरे धीरे जो है ना वो सीख रहा है। मैं बताइए इतना मासूम बच्चे को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? एकदम नहीं छोड़ सकते। देखिए देखिए वो बोल रहा है कि ना नहीं क्यों छोड़े थे, और बोला है एकदम नहीं छोड़ना है। और मैं सारे लोगों से, जितने भी ऊंचे पद में है, जितने भी नेता है, मंत्री है, और वो लोग अभी तक आयंस का मदद नहीं किए, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस नंबर पे, हाँ, इस नंबर पे गूगल पे है और सारे क्यूआर कोड वगैरह आप लोग को दे ही देंगे, उसमें मदद करें और मेरे से जितना बन सके, जितना हो सके मैं बिल्कुल करूंगी। और आप मतलब जब तक इसका सुविधा लग जाए तब तक मैं कोशिश करते रहूंगी। अच्छा आयंस क्या बोल रहे, बोलो बोलो ना बोलो। देखिए बोल रहा है कि इसको बचाना है और किसी भी हाल में बचाना है। देखो छोड़ेंगे थोड़ी हम लोग, 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन इसको पड़ेगा ना, जब उसके पास ये डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बनेगा ना तो उसी इंजेक्शन का रिसर्च करके जो है ना हिंदुस्तान में 16,000 रुपये में लॉन्च करेगा यही, और उस समय के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसी बच्चे को सम्मानित करेंगे, वादा है ये। बस इसके लिए हम सभी इंसानों को आगे आना होगा और एक माँ का दुख दूर करना होगा और एक बच्चे को बचाना होगा। आयंस बाबू के साथ सचतक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद। बस हो गई जा। आप लोग यहाँ पे आयंस को देखें और मैं चाहूंगी कि आप लोग सारे लोग नंबर को सुने होंगे, और मैं फिर से उस नंबर को मैं अपने फेसबुक पेज से लाइव हूँ ना, फेसबुक पेज से नहीं, नहीं पेज से। ये मेरा फेसबुक आईडी है और इससे मुझे नहीं पता था भाई आ गया था। इसमें जितने भी लोग हैं अभी आप मुझे देख रहे हैं सारे लोग, ये नंबर एक बार नोट कर लीजिए, 9431089721। ये गूगल पे पेटीएम और पेफोन सबका नंबर है, और ये आयंस का फादर का नंबर है आलोक कुमार सिंह, और मैं बैक कैमरा करके इसका क्यूआर कोड दिखा देती हूँ, आ जाएगा इसका क्यूआर कोड है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो में रहेगा भी तो आप लोग ले ही लीजिएगा। और ये आयंस है जो अभी मुस्कुरा रहा है, और मैं चाहूंगी कि वो ऐसे ही मुस्कुराते रहे। और ये आयंस के मम्मी हैं यहाँ पे। दीदी आप अपने मुंह से कुछ दर्शकों को बोल दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिस प्रकार अब तक आप लोगों ने सहयोग किया है, 25 लाख पहुँच चुके हैं, आगे भी ऐसे